वही कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी ने सदन के बाहर धरना दिया। नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। महीने से अन्याय हो रहा है और अन्याय करने वाले कोई दूसरे लोग नहीं है, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी विधानसभा के कस्टोडियन होते हैं और उनको न्याय करना चाहिए। सरकार के इशारे पर आकर यदि विधानसभा अध्यक्ष जी इस प्रकार का काम करेंगे तो इससे लोकतंत्र कलंकित होगा, शर्मसार होगा। आखिर जब इलेक्शन कमीशन ने राज्यसभा के चुनाव में बाबूलाल जी को भारतीय जनता पार्टी का वोटर डिक्लेयर कर दिया तो कहाँ क्या बचा। आप जेवीएम के नेता के रूप में मान्यता आपने दिया है प्रदीप यादव जी को और पूरी दुनिया जान रही है कि वो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो अब तो माननीय प्रदीप यादव जी जैसे वरिष्ठ सदस्य के भी नैतिकता पर सवाल खड़ा होता है कि आप कांग्रेस के ये इनके अकर्मण्यता है। देखिए दो चीज, अभी ये काम करके इन्होंने लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या कर दी, दूसरा संविधान का इन्होंने जो धज्जी उड़ा दिया। कोई ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसमें कि 2.25 साल लग जाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।